और एक बहुत ही एक पवित्र दिन भी है आज और मैंने सोचा आज आपके सामने दो विषय के बारे में बात करूं पहले तो आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं आज दोहरा रहा हूं मैं आपको आपके सामने कि पैंसठ साल से जो यहां पर देश में गरीबी हटाओ का एक फॉल्स प्रॉमिस एक एम्प्टी स्लोगन हमको सुनने को मिला था कांग्रेस ने पैंसठ साल से ये चलाया था और आज फैक्ट सामने आ रहा है कि पिछले नौ साल में 25 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की नीतियों के कारण दे हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी तो पैंसठ साल गरीबी हटाओ का ढोंग अन्याय लोगों पर और पिछले नौ साल साढ़े नौ साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके काम और उनके डट के काम के कारण उनके नीतियों के कारण और गरीब कल्याण का जो उनका फोकस रहा है उसके कारण ये आज देखने को मिल रहा है और ये थोड़ा आयरनी भी है कि जो लोग आज न्याय के बारे में या न्याय न्याय तोड़ो या न्याय जोड़ो जो भी कहते हैं वही लोग थे जो पैंसठ साल गरीब और गरीबी के बारे में स्लोगन करते थे और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बाद ही गरीब कल्याण का ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट देखने को मिला है आज दूसरा एक तरह से सेलिब्रेशन यह है कि आज जनवरी 16 देश में हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं और ये भी एक बहुत ही एक अहम ट्रांसफॉर्मेशन रहा है कि 2015 से आज तक देश में एक लाख से ज्यादा स्टार्टअप 112 यूनिकॉर्न और बहुत ही एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है और इसका मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2012 में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्लेस किया गया था मैंने प्लेस किया था और ये पब्लिक डोमेन में भी था कि भारत के बैंकिंग सिस्टम के 97% परसेंट ऑफ नेटवर्थ नो ग्रुप नाइन ग्रुप्स हैड इट ये उन दिनों का बात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल और हमारे युवाओं को और हमारे स्टार्टअप को कैपिटल मिलने के लिए बहुत ही तकलीफ होता था और आज हालात ये है कि ना कोई गॉडफादर अपने बल पर अपने इनोवेशन अपने क्रिएटिविटी के ताकत से एक लाख हमारे नौजवान युवा स्टार्टअप्स उन्होंने क्रिएट किए हैं जिसमें से 112 यूनिकॉर्न हैं हमारा आज संकल्प भी है कि आने वाले दस साल में ये जो नंबर है दस लाख स्टार्टअप्स तक पहुंचेगा और हम दस हजार देश में क्रिएट करेंगे और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में तीन साल में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अलग अलग स्पेस अलग अलग एरियाज में जो पॉलिसीज लेकर आए हैं यहाँ पे सब हम हमको स्टार्टअप्स दिखने को मिलेगा ये एक और अन्याय और न्याय का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर 2014 से पहले स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट से ना तो सपोर्ट ना तो फाइनेंशियल सेक्टर से कैपिटल मिलने की कोई उम्मीद ये था रियलिटी 2014 से पहले और आज का रियलिटी आप जानते ही हैं कि हमारे युवा शक्ति हमारे यूथ जो है दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हैं और जो भारत पहले टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर देश होता था आज हम टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं इक्विपमेंट और डिजिटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट सॉल्यूशंस डिवाइसेस यहां पर बन रहा है कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि और आपने ये पढ़ा होगा और एक गोल्डमैन सैक्स का भी रिपोर्ट आया है हाल ही में कि भारत टेन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक बहुत ही जल्द उनका उम्मीद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आप जानते ही हैं कि जाने माने इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर जाते हैं हर साल उन्होंने एक टिप्पणी भी की है कि इंडिया इज पॉइज टू बिकम अ टेन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी ओवर द नेक्स्ट डेकेड आई विल जस्ट रिपीट दिस इन इंग्लिश फॉर हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश